इंदौर के बैतूल में गैंगरेप से आहत होकर खुद को जिंदा जलाने वाली आठवीं की छात्रा की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा ने मंगलवार शाम 6 बजे घर में अग्नि स्नान किया था। घटना में छात्रा 95% जल गई थी। बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई। छात्रा ने अपने बयान में नामजद आरोपियों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। छात्रा ने पुलिस को बताया था कि एक माह पहले 3 युवकों ने उसके साथ सामूहिक ज्यादती की थी। पुलिस ने बताया कि शाम 6 बजे छात्रा की दोनों बहनें छत पर थी और माता पिता बाहर गए थे। उसी समय छात्रा ने किरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। उसे पहले यहाँ जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए नागपुर में रेफर कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि कैटरिंग के काम के दौरान छात्रा की संदीप, अजय और नितेश से दोस्ती हुई थी। करीब 1.5 माह पहले तीनों युवकों ने बैतूल के एक ऑफिस में छात्रा के साथ गैंगरेप किया। छात्रा ने परिजन को इस घटना की जानकारी नहीं दी, लेकिन गैंगरेप से वह बहुत आहत थी। इसके बाद से आरोपी छात्रा को लगातार मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कर 2 आरोपियों संदीप और नितेश को गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी अजय की तलाश जारी है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।